Hey guys, good morning. Welcome to online राष्ट्रीय online classes. Myself गोविंद सिंह तंवर और आप सभी का बहुत स्वागत है biology की classes में. कैसे हैं? Super commandos. अरे वाह, very good. I hope you are okay. सभी अच्छे हैं ना? Okay. चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग नेहा, वेरी गुड मॉर्निंग संजना. अरे कैसे हो आप सभी? आप सब बिल्कुल बिंदास, एकदम शानदार. क्लियर है ना सभी बच्चे? हाँ, एक बार सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कर ले प्लीज, फिर हम क्लास को शुरू करते हैं. धमाकेदार क्लास शुरू करते हैं, एक नई एनर्जी के साथ. नेहा, अंजलि अपना वीडियो ऑन करो. कपिल, कपिल, ओके. अंकेश, सभी ने वीडियो ऑन कर लिया अपना? चलिए शुरू करें बच्चों आज की क्लास. बिल्कुल करते हैं. तो देखिए, देखिए भैया, क्लास 12, ठीक है बच्चों? ओके, आज की क्लास में हम पहले कुछ क्वेश्चंस को डीलिंग करेंगे. तो वो क्वेश्चंस जब हम पढ़ लेंगे तो उनके बेस पे इस संडे को, लास्ट संडे, सॉरी बेटा कोई एग्जाम नहीं हुआ आपका, बट इस संडे को आपका एक एमसीक्यू टेस्ट है. आर यू ओके? सर कल भैया की क्लास क्यों नहीं लगी? नहीं, सॉरी बेटा, कुछ अर्जेंट वर्क था तो मैं छुट्टी पे था, इसलिए नहीं हुआ. हाँ, अब आगे क्लियर होगा. ठीक है बच्चों, पक्का ना? चलिए शुरू करें. तो आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डीलिंग करेंगे बेटा. ओके, नीरज हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? चलिए एकदम मस्त, बढ़िया. अजय धनखड़, अंजू यादव, अंकेश, एक बार प्लीज सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा. शानदार, सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लें और मुझे थम्स अप सेंड कर दें एक बार, फिर हम शुरू करते हैं. ऑल इज क्लियर? ओके, वेरी गुड, सभी के थम्स अप आने लगे. चलिए शुरू करते हैं अपन. देखो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, आज हम एमसीक्यू पे बात करेंगे बच्चों, ठीक है? हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम है फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो देख लीजिए एक बार हेडिंग को, नॉट फाइन बिकॉज हनी बी कट माय आई. ओके नीरज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा. देखिए बच्चों, वेरी गुड. देखो हमारा टॉपिक चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल. चलिए तो आज हम पे इन पे बेटा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे आज. और आज हम बड़े अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं. ओके बच्चों, तो देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूं आप लोगों के लिए, उन्हें देख लेते हैं अपन.
एक मिनट, क्लास 12th MCQs. चलिए तो पहला क्वेश्चन आप लोग बच्चों मेरे साथ क्वेश्चंस नोट करने हैं और फिर वीडियो, फिर उसके बाद अपन इसके लिए बात करेंगे. चलिए तो मैं पहला क्वेश्चन नोट कर रहा हूं बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन लिखे बच्चे. क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट आज बेटा आप लोग नोट करें क्वेश्चन आंसर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके चलिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन What is the function of filiform apparatus? Apparatus in an angiosperm. Angiosperm. Make embryo sac. Okay, guide pollen tube. अरे वाह जी, तो वेरी गुड बेटा, शानदार. तो पहला ऑप्शन ए, ब्रिंग अबाउट ओपनिंग. हाँ, आप लोगों के लिए बेटा एक इंटरेस्टेड बात यह है, अभी मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं इस वीक सैटरडे तक, उन सभी क्वेश्चंस में से मिला के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस का एक एमसीक्यू बनाएंगे हम, और संडे को वो एमसीक्यू आप लोगों को अपलोड किया जाएगा. जिस बच्चे की फर्स्ट रैंक होगी उसे मेरी तरफ से एक अच्छा गिफ्ट रहेगा मेरी क्लास में. क्लियर है बच्चों? ओके तो आप लोग बढ़िया से करें और ये क्वेश्चंस को बेटा अच्छे से नोट करें. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिख पा रहे हो आप लोग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक. मैं ऑप्शन लिख रहा हूं बेटा, ब्रिंग अबाउट ओपनिंग ऑफ द पॉलन ट्यूब, ऑप्शन वन बच्चों. ऑप्शन टू दूसरा, गाइड्स द पॉलन, गाइड्स द पॉलन ट्यूब इनटू ए सिनर्जिड, इनटू ए सिनर्जिड. ऑप्शन थ्री, आप सभी बच्चे नोट कर रहे हैं ना बेटा, यशवंत सभी बच्चे नोट कर रहे हैं ना प्लीज. हाँ वेरी गुड, आप मुझे और हम सब भेजिए तो पता चले आप लोग नोट कर रहे हैं बेटा. बहुत सीरियसली आज क्लास में अच्छे से समझे चीजों को. ओके ठीक है, गाइड द पॉलन ट्यूब टू ए सिनर्जिड. ऑप्शन सी, प्रिवेंट एंट्री ऑफ मोर देन वन पॉलन ट्यूब. ऑप्शन देखिए बच्चों, ऑप्शन बहुत अच्छे हैं आज, पॉलन ट्यूब इनटू ए सिनर्जिड.
सिनर्जी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डील करते हैं। हाँ तो आप लोग मुझे बताओ, साइड प्लीज, बिल्कुल बेटा मैं साइड में हूं नीरज, आप लोग इसे नोट कर लीजिए या आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके अब ठीक है नीरज, क्लियर करें। तो देखो बच्चों मेरी बात सुनो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इन ए एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक। तो सबसे पहले आंसर कौन सा है सर? थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, नेहा सुरेलिया। गाइड द पॉलन ट्यूब इन सिनर्जिड या प्रिवेंट एंट्री ऑफ मोर देन वन पॉलन ट्यूब। नेहा गलत आंसर है आपका, नेहा गलत आंसर है। क्यों है नेहा? अपना वीडियो ऑन करो बेटा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जीतुकांत बिल्कुल राइट बी, सलोनी बिल्कुल बी, दीपक यादव बिल्कुल बी, ए आंसर भी किया है नीरज यादव ने तो। अरे वाह, ये तो गलत है नीरज, ऐसे थोड़ी पढ़ाया मैंने। अमन यादव टू, बिल्कुल सही आंसर है आपका। और कौन बच्चे हैं, किन बच्चों ने? चलिए एक बार जिन बच्चों का गलत आंसर हुआ है वो अपना वीडियो ऑन करें, बेइज्जती नहीं कर रहा हूं रे, ऐसे वीडियो ऑन करो फिर मैं तुम्हें समझाता हूं उसके बारे में। अभी तो कोई भी नहीं कर रहा। हाँ कर लिया नीरज, कोई बात नहीं। अब देखो सुन, याद करो बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले समझो इस चीज को। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस, बस यही तो बात खत्म हो गई। फिलीफॉर्म एपरेटस इसका मीनिंग क्या है? देखो बच्चों फिलीफॉर्म एपरेटस का मीनिंग क्या है, याद करें जब मैंने आप लोगों को एक मैच्योर ओव्यूल के बारे में पढ़ाया था तो वो कुछ इस तरह का था बच्चों। यस दिस एंड इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, क्या कह रहे थे नीरज इसको? माइक्रोपाइल, और इसके अंदर एक ओव्यूल था। अब याद करो बच्चों यहां पर हमने कहा था एक फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, यही था फिलीफॉर्म एपरेटस। यस या नो? यस, तो फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन तब क्या बताया था आप लोगों को बच्चों कि वो क्या करती है? अब देखो ऑप्शन वन क्या था, ब्रिंग अबाउट ओपनिंग ऑफ द पोलन ट्यूब, कोई मतलब नहीं है उसका। ब्रिंग अबाउट द पोलन ट्यूब जर्म पोर से होता है बच्चों, कहां से होता था याद करो? जर्म पोर से। गाइड द पोलन ट्यूब, यस बिल्कुल राइट, गाइड द पोलन ट्यूब इन ए सिनर्जिड, वो गाइड करती है पोलन ट्यूब को कि तुम्हें कहां जाना है, फर्टिलाइज करना है और उसके बाद वहां पर मेल गैमेट को रिलीज करना है। तो ऑप्शन बी इज राइट, क्लियर है बच्चों? हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है तो टिक कर लीजिए बेटा, गाइड द पोलन ट्यूब इनटू ए सिनर्जिड। यस क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों, थम्स अप भेज दीजिए अगर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चले तो। हम सभी बच्चे भेजे, ओके चलिए चलिए शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। आ जाइए आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का। हाँ बिल्कुल हो सकती है जीतू, मोर देन वन पोलन ट्यूब हो सकती है और उस स्टेज को कहते हैं पॉलीसाइफोनी। जीतुकांत क्या कहा जाता है उसे? पॉलीसाइफोनी। क्लियर है बच्चे? पॉलीसाइफोनी, ओके उस स्टेज को हम पॉलीसाइफोनी कहेंगे। ये भी मैं आपको आगे जिक्र करूंगा, बताऊंगा उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में कि मोर देन वन पोलन ट्यूब भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। चलिए हटा देते हैं बेटा इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डील कर लिया, अभी हम दूसरा क्वेश्चन डील करते हैं। देखो बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू, सभी बच्चे नोट करें।
द फीमेल गैमेटोफाइट, द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ ए टिपिकल डाइकॉट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज. क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? देखो क्वेश्चन समझिए. द फीमेल गैमेटोफाइट ए टिपिकल एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज, कि एक फीमेल गैमेटोफाइट फर्टिलाइजेशन के जब होता है तो वो कैसा दिखता है. तो देखो बच्चों सुनो, पहला ऑप्शन ए, ऑप्शन ए एट सेल्ड, ऑप्शन बी सेवन सेल्ड, ऑप्शन सी सिक्स सेल्ड और ऑप्शन डी फाइव सेल्ड. चलिए बताइए बच्चों. वेरी गुड दीपक यादव, बिल्कुल गुड, ये वेरी गुड बेटा. और बच्चे बताओ कितने लोगों को पता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो अबाउट एट सेल, एट सेल. नीरज यादव, ओके. जीतुकांत बी, ये बस सभी आंसर करो फिर मैं बताता हूं. ओके प्रेम यादव कितना है बच्चा बता. बी. चलिए तो शुरू करते हैं अपन. देखो बच्चों याद करो, हमने एक फीमेल गैमेटोफाइट को इस तरह से समझा था जिसमें थ्री सेल अपर साइड थे बच्चों, वन टू थ्री, और इनको क्या कहते थे, एंटीपोडल सेल. ओके बच्चों क्या कहते थे, एंटीपोडल सेल. उसके बाद बीच में एक सेल में दो न्यूक्लियस थे, इनको कहते थे सेंट्रल सेल, और नीचे एक एग सेल और साइड में दो सिनर्जिड थे. तो ये भी हो गए बेटा तीन. अब काउंट करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारा. क्लियर है बच्चों, काउंट करेंगे तो आंसर आ जाएगा. कैसे आएगा देखो सुनो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. अब सेल तो एक ही है ना बाउंड्री के सराउंडिंग. अरे सेल कितनी है बच्चों, एक ही है. तो एक ही है तो फिर कितना हुआ कितना हुआ, सेवन सेल्ड. कितना हुआ सेवन. तो देखो सेवन सेल्ड. अगर अब इसमें हमसे न्यूक्लियस पूछ लिए जाए तो क्या करेंगे. तो देखो बेटा न्यूक्लियस कैसे पता करेंगे, सर सबके पास अपना इंडिविजुअल न्यूक्लियस है. तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. तो क्वेश्चन क्या था, सेवन सेल एट न्यूक्लियेट. वेरी गुड जीतुकांत बाबू, शानदार. मनीषा शानदार, संजना शानदार. बेटा खतरनाक खेल रहे हमारे बच्चे, खतरनाक है ना, वाओ गुड शानदार बेटा, बहुत ही मजा आया. देखो तो ऑप्शन क्या राइट होगा बेटा, बी सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियस. ओके आर यू सेटिस्फाई. अरे भाई साहब पीएमटी का क्वेश्चन फोड़ रहे हैं बच्चे तो, हैं नीट तो कर ही लेंगे सर, चलते चलते ही कर लेंगे हम तो. अरे बिल्कुल कर लो. चलिए आगे शुरू करें, थम्स अप भेज दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर अपन. कोई प्रॉब्लम किसी को, ओके चलिए ओके थर्ड क्वेश्चन करते हैं बच्चों. आइए इसे हटा देते हैं, हट जा सिम सिम. अच्छा वो तो खुल जा सिम सिम होता है ना, कोई नहीं कोई नहीं चलिए थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, है ना.
थर्ड थर्ड सब इंटेलिजेंट हो गए ना, क्या बात है। ओके आई एम हैप्पी बेटा। अब आया आपके लिए क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है बेटा, बहुत बार मैंने बोला है आप लोगों को, मैं ना पता है जब भी आपको कुछ पढ़ाया छोड़ा नहीं बेटा, उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताता गया हूं कि जब क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पॉलीगोनियम, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीगोनियम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज आंसर। चलिए ऑप्शंस दे देते हैं। ऑप्शन ए 8 न्यूक्लियस या 8 न्यूक्लिएट। एट न्यूक्लिएट, सेवन सेल्ड। ऑप्शन बी एट सेल्ड। ऑप्शन सी 7 न्यूक्लिएट, 7 सेल्ड। और ऑप्शन डी 8 न्यूक्लिएट, 8 सेल्ड। चलिए बताओ बताओ कौन सा आंसर सही होगा। कीप इट अप फास्ट, टेल मी। द पॉलीगोनियम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएट 8 सेल्ड, 7 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड या 8 न्यूक्लिएट 8 सेल्ड। ऑप्शन ए जीतू कांत, वेरी गुड। और बच्चे बताइए बच्चा क्या आंसर होगा, बिल्कुल जल्दी फास्ट, वेरी गुड। डी ही, हु इज आर्यन, रॉन्ग आंसर। अमन यादव, गुड बेटा, ए इज आंसर। नेक्स्ट और कौन बताने वाला है, बताई है तो बेटा क्या आंसर, ए कपिल, वेरी गुड, कपिल राठी ए आंसर। ओके और संजना, ओके दीपक भाई बताओ 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड अभी अभी तो बताया था, याद करो बच्चों। सर न्यूक्लियस तो 8 है, सेल कितनी है 8, उसको क्या कहा जाएगा, टिपिकल पॉलीगोनियम। नोट कर लो, स्टार लगा लो, हैशटैग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलीगोनियम, बहुत बार मेडिकल एग्जाम में आया है बच्चों, बहुत बार आया है। आर यू सेटिस्फाई, क्लियर है ना। चलिए धन्यवाद आप सभी का, इतना कीमती समय दे रहे हो मुझे आप, है ना। अरे वाह सही है, इतना कीमती समय देखो बच्चों मुझे दे रहे हो आप लोग। चलिए तो ऑप्शन ए इज राइट, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड लॉक कर दिया जाए। चलिए तो कंप्यूटर महाशय लॉक कर दीजिए बच्चों के लिए, पैसे कुछ नहीं मिलेगा। चलिए आगे शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फोर के लिए आ जाइए, शेयर फोर के लिए आ जाइए। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर, बोथ कैसमोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस
फ्लावर, फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन, ऑप्शन ए बच्चों हेलिएंथस, हेलिएंथस, ऑप्शन बी कॉमेलिना, ऑप्शन सी रोज, ऑप्शन डी गॉसिपियम। चलिए अब बताइए, अब देखते हैं जोर कितना बाजू है कातिल में है। चलिए अब बताओ, अरे वाह, बी कॉमेलिना, सलोनी, शेखावत, वेरी गुड। और किसको पता है, सब बताओ, सब बताओ, कॉमेलिना, नीरज यादव, डी, तू तो कुछ नया ही बताएगा। सही बताओ रे, ऑप्शन डी, बी जीतू कान, वेरी गुड। याद करो बच्चों, दो तरह के फ्लावर थे। हाँ सर, जब आपने पॉलिनेशन पढ़ाया था तो उसमें कुछ चीजें और स्पेशली बताई थी, एक तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर और एक कैस्मोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस जो बंद रहते हैं, क्लिस्ट बंद रहते हैं, ओपन नहीं होते, तो कैसा होगा, ऑटोगेमी, इंटरनली फर्टिलाइजेशन होगा। और कैस्मोगेमस जो ओपन रहते हैं उनके अंदर बेटा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके एग्जाम्पल लिखवाए थे मैंने, कॉमेलिना, ऑक्सेलिस और वायोला, सी ओ वी, वायोला और ऑक्सेलिस, वेरी गुड शलोनी, वेरी गुड, क्या बात है, शानदार परफॉर्मेंस है भाई, शानदार परफॉर्मेंस है इन बच्चों की। ठीक है, अब कोई नहीं रोक सकता हम लोगों को, जीत के रहेंगे हम। ठीक है, तो देखो, बोथ कैस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन हेलिएंथस, नहीं। अच्छा, किसी को पता है हेलिएंथस किसे कहते हैं, अंग्रेजी तो हमारी शानदार है। बताइए हेलिएंथस किसे कहते हैं बच्चों, सोचो, हेलिएंथस किसे कहेंगे, नहीं पता, चलो आप मुझे बताना, मैं इतना अगला क्वेश्चन करवाता हूं आपको। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखो मैं इसे हटा रहा हूं, इसका सही आंसर है बेटा कॉमेलिनिया, बी आंसर टिक कर ले बच्चे। चलिए सर कर लिया है, आप इतने मुझे बताना हेलिएंथस किसे कहते हैं। ओके, और गॉसिपियम तो पता है ना, नीरज बताएगा गॉसिपियम किसे कहते हैं, सनफ्लावर, मनीषा बिल्कुल सही है, गूगल देखा होगा। सही है, सही है, ठीक है, ठीक है, चलो एफर्ट तो लगा रहे हो आप लोग, कहीं से ही लगाओ। हाँ, कुछ बच्चों को पता भी होगा, बिल्कुल पता होगा, मनीषा इंटेलिजेंट, उसको आता है। चलो अभी अपन आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चा, ये भी लो, क्वेश्चन नंबर 5। इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, एजेंट्स सीड सेटिंग इज अश्योर्ड इन, इज अश्योर्ड इन, ऑप्शन ए कॉमेलिना, ऑप्शन बी जोस्टेरा, ऑप्शन सी
साल्विया, ऑप्शन डी मैंगो, मैंगो। चलिए बच्चों, इसका कौन बताएगा? Who's tell? कौन बताने वाला है? हाँ, इसका बताया ना तो कुछ अच्छा और लगेगा। मैं थोड़ा क्वेश्चन समझा देता हूं आपको। देखो ये क्या करे, अगर एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट हो ही ना एजेंट्स, तो सीड सेटिंग इज अश्योर्ड। तो फिर सीड कैसे बनेगा भाई? तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा अगर पॉलिनेशन हो ही नहीं रहा है, पॉलिनेटिंग एजेंट अवेलेबल ही नहीं है? ऑप्शन ए, वेरी गुड नीरज यादव, तुक्का मारा है, क्या बात है भाई। ऑप्शन ए, हाउ, कैसे सही है ये? सही सही बता, बताइए बच्चों। ऑप्शन ए इज अ बिल्कुल राइट है, शो बिल्कुल। अब मैं समझाता हूं, देखो बच्चों कैसे राइट है। चलो आप बताओ एक्सप्लेनेशन, या फिर मैं बताऊं कौन बताने वाला है? कॉमेलिना, जोस्टेरा, साल्विया और मैंगो, कैसे सही है बच्चों? कॉमेलिना। अभी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, क्लिस्टोगेमस और कैस्मोगेमस दोनों तरह के फ्लावर होते हैं। सलोनी शेखावत, बिल्कुल सही बात आपकी, बाय सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी हो जाएगा, जबकि जोस्टेरा में वाटर के थ्रू होता है, साल्विया में भी, और मैंगो में हम देखते हैं बच्चों एयर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू। क्लियर है? तो राइट आंसर इज कॉमेलिना। क्या बात है, अरे समझ तो आ रहा है ना, यानी अभी कुछ लग रहा है हमने जो पढ़ा था वो अप्लाई हो रहा है कहीं। ये कैसा हाँ है भाई, ये वाला होना चाहिए ना? हाँ, तो यानी हमने जो पढ़ा है वो कहीं तो अप्लाई हो रहा है। अगर अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ट्रैक ठीक है, अगर अप्लाई नहीं है तो हम ऑफ ट्रैक है। तुम तो सारे ट्रैक पे ही हो, खैर मुझे पता है पहले से ही। क्लियर है बच्चों? हैवी ड्राइवर है सारे बच्चे हमारे। चलिए अब आगे शुरू करते बेटा। तो यहां तक के पांच बेस्ट क्वेश्चन आपने किए, वीडियो रुक रुक के आ रहा है, कोई नहीं रे, नेटवर्क अटक गया होगा कहीं, पकड़ के लाएंगे उसे, इसलिए आ रहा होगा। चलिए अब आगे शुरू करें बेटा, अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं। आए ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं। मेल एंड फीमेल, क्वेश्चन नंबर 6, मेल एंड फीमेल फ्लावर, नोट करो बच्चों जल्दी थोड़ा, मेल एंड फीमेल फ्लावर are present present on different different plants dioecious to ensure xenogamy in male and female present on different plants to ensure xenogamy. मेल अलग है और फीमेल अलग है, जीनोगेमी वही होती है बच्चों, ऑटोगेमी हुआ था, जिटेनोगेमी हुआ था, जीनोगेमी। जीनोगेमी के लिए दो अलग प्लांट चाहिए हमको। क्लियर है बच्चों? जीतुकांत, ऑप्शन ए सुनिए फास्ट बच्चों, पपाया, ऑप्शन बी बोटल गार्ड, बोटल गार्ड, ऑप्शन सी मेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज।
चलिए अब आंसर करो बच्चों। वेरी गुड मनीषा, पपाया सही है क्या? और बताओ मेज, सलोनी शेखावत, ये क्या कर दिया आपने? याद करो हमने मेल और फीमेल फ्लावर एक पे ही देखे थे, पपाया एंड डेट पाम। जी तुकांत बिल्कुल सही है, पपाया इज अ राइट आंसर। क्लैपिंग फॉर दीज स्टूडेंट्स, गिव मी पपाया आंसर। वो सब बच्चों के लिए ताली बजाओ आप सब, ठीक है? आवाज यहां तक आनी चाहिए, आ गई आ गई, ठीक है। तो पपाया इज ए राइट आंसर, क्लियर है मेरे शेर? चलिए शानदार बच्चों, शानदार, खतरनाक खेल रहे हैं अपन लोग, है ना? ओके, यहां तक की बातें क्लियर हैं? एक मिनट बच्चों, एक मिनट। चलिए तो एक और क्वेश्चन कर ले बच्चों, चलिए कर लेते हैं। ओके पपाया इज आंसर, बिल्कुल सही है बेटा। ओके आगे चलिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, फीदरी स्टिग्मा अकर इन ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी वीट, ऑप्शन सी दतूरा, ऑप्शन वी डी कैसी प्लेनिया एल पी आई एन आई के। बताइए बच्चों फीदरी स्टिग्मा किसमें देखने को मिलेगी हमें? अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी तो आपको ये आंसर पता होगा। अरे वाह,